जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं। यहां पर आप सभी से इतना आशीर्वाद मिलना, आपका इतनी बड़ी संख्या में आना, यह हम सबके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साथियों, मैं बीते दिनों बंगाल के कोने कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है और हर तरफ बीजेपी को लेकर जो उत्साह है, जो जुनून है, जो संकल्प है, ये वाकई अभूतपूर्व है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल में और बंगाल एक नया इतिहास रचने जा रहा है। चार चरणों में जो भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में मतदान हुआ है, ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। आशोल परिवर्तन यानी बंगाल का विकास, बंगाल के लोगों का विकास। आशोल परिवर्तन यानी दीदी के कुशासन से मुक्ति, दीदी के सिंडिकेट से मुक्ति, दीदी के तोलाबाजों से मुक्ति। बंगाल के लोगों ने ये तय कर दिया है कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। साथियों, कल्याणी और आसपास के क्षेत्र ने आस्था से लेकर अध्यात्म तक, शिल्प श्रम से लेकर साहित्य तक, संस्कृति से लेकर संस्कार तक, सभी को प्रेरणा दी है। ये यहां की गौरवशाली विरासत है। लेकिन दीदी ने 10 साल जिस तरह बंगाल में सरकार चलाई, उसने हर विरासत का अपमान किया है। आपने राजनीतिक हितों के लिए बंगाल के लोगों की हत्या, अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए बंगाल के लोगों से लूटपाट, अपने सिंडिकेट को ताकतवर बनाने के लिए बंगाल के लोगों से विश्वासघात, दीदी के 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही है। ऐसे ही हालत के लिए यहां के लोकप्रिय कवि सुकुमार राय ने लिखा है, चोलछे जा जुआ चुरी, नाही तार तुलोना, नाही तार तुलोना। यानी जो चोरी चकारी चल रही है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। इस चोरी चकारी से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए यहां की जनता दीदी के तोला बाजों से कह रही है, ताई आ
आज खेपे गए छी। ताई आज खेपे गए छी। कतो आर पारबो। अब जनता नाराज है, आखिर कितना बर्दाश्त करे। साथियों, दीदी को अहंकार हो गया है कि हर खेल उन्हीं से शुरू होता है और हर खेल खत्म भी वही करती है, और इसलिए वो कहती है खेला होवे खेला होवे। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये मत भूलिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ये जनता जनार्दन, ये भगवान का ही रूप होता है। यहां खेल भी जनता ही शुरू करती है और खेला शेष भी जनता जनार्दन ही करती है। और आज के बंगाल की सच्चाई यही है, आज के बंगाल की सच्चाई यही है, खेला तो शेष होए गेलो दीदी। खेल तो खत्म हो गया दीदी, आधे चुनावों ने ही टीएमसी का पूरा साफ होना तय कर दिया है। साथियों, दो दिन बाद बांग्ला नवो वर्षों शुरू होने जा रहा है। पहला बैशाख के साथ ही बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई, 2 मई, 2 मई, 2 मई, बीजेपी आज, बीजेपी आज, बीजेपी। साथियों, हार की बौखलाहट में दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी एसटी ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के शेड्यूल कास्ट को, बंगाल के आदिवासी को, बंगाल के ओबीसी को, बंगाल के वनवासी को, दीदी आप उनको धमकाओगी, डराओगी, गालियां दोगी, लेकिन दीदी लिख लीजिए, मोदी के लिए उनका स्नेह कभी कम नहीं होने वाला है। दीदी, ओ दीदी,
आदरणीय दीदी, आपके साथ ही बंगाल के शेड्यूल कास्ट को भिखारी कहकर अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, बीजेपी के लिए उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। साथियों, अपनी हार सामने देख अब दीदी ने एक नई रणनीति अपनाई है। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की बाबा साहब अंबेडकर और हरिचंद ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। तुष्टिकरण की जो पट्टी आपने अपनी आंखों में जो बांध रखी है, जरा उसको खोल करके देखिए। दीदी, बंगाल और बंगाल के लोगों की गरिमा आपकी स्वार्थ भरी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा विराट है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसका भी अपमान कर रही है। भाइयों और बहनों, श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की कर्मस्थली बनगांव यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि बिना श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की इच्छा के क्या कुछ होता है क्या? ये तो भारत के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उसे ओराकांदी में
श्री श्री हरिचरण ठाकुर जी, श्री श्री गुरचरण ठाकुर जी, उनके दर्शन का अवसर मिला। साथियों, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को कैसे स्वाभिमान का, गरिमा का जीवन दिया जा सकता है, ये ओरा कांदी में इन महापुरुषों की तपस्या के कारण साक्षात अनुभूति होती है। आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं भी ओरा कांदी से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के आया हूं। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओरा कांदी जाना भी पसंद नहीं आया। आप बताइए भाइयों बहनों, क्या मैंने कोई गलती की है? क्या ओरा कांदी जाना गलत था? क्या श्री श्री हरिचंद ठाकुर की कर्मभूमि, तपोभूमि पे सर नमन करना गलत था क्या? उस मिट्टी को माथे पे लगाना गलत था क्या? लेकिन दीदी ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। अरे दीदी, ओ दीदी, 10 साल आपने बंगाल के दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों से कैसी नफरत दिखाई है, ये देश आज बराबर देख रहा है। आपने ना ही मतुआ समाज के मेरे भाई और बहनों के लिए कुछ किया और ना ही नाम शूद्र समाज के लोगों के लिए कुछ किया। आपने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। आपने इन लोगों को एक तरफ, एक प्रकार से घुसपैठियों के हवाले कर दिया। आपके तुष्टीकरण ने इनका बहुत नुकसान किया है दीदी। आपके तोलाबाजों तो ऐसी प्रमाण पत्र तक के लिए इन साथियों को लूटा है, उनसे कटमनी लिया है। बंगाल के लोगों को आपसे ये उम्मीद नहीं थी दीदी। साथियों, मैं यहां आज आप सभी को आश्वस्त करने आया हूं। यहां भारत मां में आस्था रखने वाले सभी शरणार्थी साथियों को हर सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी के लिए तो सभी शरणार्थियों, मथुआ और नाम शूद्र साथियों को न्याय दिलाना एक तरह से हमारा भावात्मक कमिटमेंट भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही थे जिनके प्रयास से ये बात अहम क्षेत्र, बहुत अहम क्षेत्र आज भारत के पास है। भाई और बहनों, मेरा और बीजेपी का ये भी सौभाग्य है कि इस चुनाव में बंगाल की बहनें और बेटियां बीजेपी पर, मुझ जैसे छोटे मोटे हर कार्यकर्ता पर इतना स्नेह दिखा रही है, इतना स्नेह दिखा रही है। मैं आदरपूर्वक माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, वो तृणमूल के लोगों को हमारी यहां की माताएं बहनें, ये टीएमसी के लोगों को, ये तोलाबाजों को, ये सिंडिकेट को दो टूक कह रही है। हमारी यहां की माताएं बहनें दो टूक कह रही है, मोदी अनेक देवे, मोदी
अनेक देवे, वो जानती है कि महिलाओं के विकास के लिए देश के बाकी हिस्सों में जो हुआ है, दीदी उन योजनाओं को यहां बंगाल में रोकती रही है, आने नहीं दिया है। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का, ये 21वीं सदी का 21वें वर्ष का ये इंडिया है। बीजेपी सरकार की वजह से आज गांव गांव में सस्ता मोबाइल फोन, सस्ता इंटरनेट पहुंचा हुआ है। आपका हर झूठ बंगाल की महिलाओं को तुरंत पता चल जाता है। बंगाल की महिलाएं जानती हैं कि सरकार ने बहन बेटियों को इज्जत घर यानी टॉयलेट दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जनधन बैंक अकाउंट दिया, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन दिया, लाखों घर बनाए, और घर बनवाए तो घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की, समान वेतन का अधिकार दिया, गर्भावस्था के दौरान 26 हफ्ते की छुट्टी वेतन के साथ दी, प्रेगनेंसी के दौरान हजारों रुपयों की मदद दी, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति दी। ये सब काम बंगाल की बहन बेटियों से छिपा नहीं है। दीदी, आप कब तक ये पर्दा लगा के रखोगी? इसी भावना से बंगाल में बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जो देश की माताओं बहनों को के लिए किया है और जिसको आप तक पहुंचने नहीं दिया गया है, उसको 2 मई के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद, मेरी माताएं बहनें लिख लीजिए, आपके वो काम भी हम पूरे करके रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी बहनों को पानी के अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हर घर जल देने पर तेजी से काम चल रहा है। बिना किसी कटमनी, बिना किसी तोलाबाजी के बंगाल की महिलाओं को हर एक लाभ मिलेगा। इसलिए बंगाल की महिलाओं को, बंगाल की बहनों को, बंगाल की माताओं को विश्वास है कि मोदी अनेक देवे। भाइयों और बहनों, आज पूरा बंगाल समझ चुका है कि आर्थिक उन्नयन, निवेश, शिल्प दीदी और उनके दल की प्राथमिकता कभी रही ही नहीं। तृणमूल के लिए तो उन्नयन का मतलब है अपने काडर का उन्नयन, गुंडों का उन्नयन। तृणमूल के लिए शिल्प है माफिया, मानव तस्करी, बम बनाना, अवैध कब्जा, यहां तक कि सती माता पीठ जैसे पवित्र स्थान की जमीन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यही दीदी का रिपोर्ट कार्ड है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों,
दीदी की इसी दुर्नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीसी रॉय जैसे विजनरी नेताओं का सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। जिस कल्याणी को वो आधुनिक बंगाल का मॉडल बनाना चाहते थे, उसको दीदी की दुर्नीति ने बरसों पीछे कर दिया। दीदी ने कहा था कि कल्याणी को थीम सिटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने करप्शन, तोलाबाजी और सिंडिकेट की अपनी टीम यहां लगा दी। उन्होंने पंचायतों और नगर निगमों को टीएमसी का दफ्तरी बना दिया। दीदी ने हार के डर से नगर निगमों के चुनाव नहीं कराए, तोलेबाजों के हाथों में सारा प्रशासन दे दिया। यहां की स्थिति आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। बिल्डिंग प्लान, वाटर कनेक्शन, हर चीज, हर क्लियरेंस, हर एनओसी, हर परमिशन के लिए कटमनी, कटमनी और कटमनी, यही चलता है ना, यही चला है ना, कटमनी चला है ना। आपके घर में शुद्ध पानी नहीं आता क्योंकि पानी माफिया का दबाव है। अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगती क्योंकि सिंडिकेट का दबाव है। ये सिर्फ कल्याणी का हाल नहीं है बल्कि बंगाल के सभी शहरों की यही स्थिति है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की भाजपा सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए जी जान से जुटने वाली है, आपके लिए काम करने वाली है। आमरा कल्याणी, आमरा कल्याणी शिल्प शहर के पुनर्निर्माण करबो और आधुनिक शहर हिसाबे गोड़े तुलबो। कल्याणी इंडस्ट्रियल बेल्ट के रिवाइवल कोरा होबे। बंगाल बीजेपी ने विस्तार से अपने संकल्प पत्र में इसका रोड मैप बताया है। कल्याणी हो या आसपास के तमाम छोटे शहर, हमारा फोकस इनको आत्मनिर्भर भारत के सेंटर बनाने का है। यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें जहां भी हैं वहां मेट्रो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को हमने आधुनिक बनाया है। कल्याणी को भी मेट्रो नेटवर्क मिलने से यहां के लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, ये जगह शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हब हो, इसके लिए भी कदम उठाया जा चुका है। आपकी जो बरसों पुरानी एम्स की डिमांड थी वो अब पूरी हो चुकी है। इतने दशकों बाद पश्चिम बंगाल को पहला एम्स मिला है, वो भी कल्याणी में बना है। दीदी को सिर्फ एम्स को कल्याणी स्टेशन से जोड़ना था, वो तक नहीं कर पाई। दीदी की दुर्नीति ने बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खेला किया है। आयुष्मान भारत से यहां के गरीब को पूरे देश में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना था। दीदी ने ये भी नहीं होने दिया। मुझे बताइए, अगर गरीब बीमार है
तो उसको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, गरीब अगर बीमार है तो उसको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये मानवता का काम है कि नहीं है, हर सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। भारत सरकार 5 लाख रुपया का खर्च करने को तैयार थी तो करने देना चाहिए था कि नहीं करने देना चाहिए था? उसमें दीदी का कोई नुकसान होने वाला था क्या? गरीब का भला होने वाला था कि नहीं होने वाला? दीदी ने इसको भी नहीं करने दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है दीदी को गरीबों के प्रति भी इतना गुस्सा क्यों है। दीदी, ये गरीब के दिल में जो आग लगी है ना दीदी, वो आपकी राजनीति को भस्म कर देगी। दीदी, इसी योजना के तहत गांव गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में बन रहे हैं। दीदी ने इस पर भी ताला लगा दिया, लॉक लगा दी, ब्रेक लगा दी। साथियों, दीदी की दुर्नीति यहां के कुशासन को हमें मिलकर बदलना होगा। इस माहौल को आपका एक वोट बदलेगा, आपके वोट की ताकत है। आइए, आपके एक वोट की ताकत क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। आपके एक वोट से आपने कभी सोचा है? मुझे बताइए, मैं कहूं कि जाओ फलाने किसान को 18,000 टका दे दो, आप दोगे क्या? मुझे बताइए, दोगे क्या? जरा बताइए ना, नहीं दोगे ना? लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपके एक वोट से, आपके एक वोट की ताकत यह है कि आपके एक वोट से 18,000 टका सीधा सीधा किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। मुझे बताइए, ये गरीब किसान के खाते में 18,000 टका जाएगा, इसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको संतोष होगा कि नहीं होगा? ये आपके वोट की ताकत है कि नहीं है? आपके वोट की ताकत है कि नहीं है? गरीब को कहीं दिल्ली गया है, कहीं अहमदाबाद गया है, मुंबई गया है, चेन्नई गया है, वहां बीमार हो गया और उसको 5 लाख रुपए तक की बीमारी में मदद मिल जाए, भाइयों बहनों, आप 5 लाख रुपए दे सकते हैं क्या? आप 5 लाख दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना? लेकिन आप एक वोट देंगे ना कमल को, वो गरीब के खाते में 5 लाख की गारंटी हो जाएगी भाइयों। वो कहीं बीमार हो गया, 5 लाख तक का खर्चा दिल्ली की भाजपा सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये आपके वोट की ताकत है, ये आपका वोट गरीब के घर में नल से जल पहुंचाएगा, ये आपका एक वोट गरीब मां को इज्जत घर टॉयलेट देगा, आपका एक वोट गरीब मां को नया गौरव देगा। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, ये आपके वोट की ताकत समझिए और आप इस बार पूरी ताकत से संकल्प कहिए। आइए आइए हम संकल्प लें, इस बांग्ला नववर्ष में हर बूथ पर कमल खिलाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। कल से नव